केशव, हेलो दादी, मैं बोल रही हूँ निधि। मेरी बच्ची निधि, कैसी है तू मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ दादी, आप कैसी हैं? तेरे बिना तेरी दादी कैसी हो सकती है? पापा, पापा है घर पर। नहाने गया है वो। क्यों, क्या हुआ? तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ दादी, क्या सब ठीक है? बल्कि एक खुशखबरी देनी थी आपको। पता है, दादाजी फिर से चलने लगे हैं। भगवान का शुक्र है, हे माता। हाँ दादी। और पता है, आज वो इतने खुश है, इतने खुश है कि मैं क्या बताऊं। हेलो दादी। हाँ मेरी बच्ची। आप रो रही हैं? अरे पगली, रो कहाँ रही हूँ? इतने दिनों बाद तुझे खुश देखा तो मन भर आया। लगता है बस ऐसे ही तेरी आवाज सुनती रहूं। कोई डर ना हो कि केशव आ जाएगा और फोन बंद करना पड़ेगा मुझे। लेकिन क्यों दादी, क्या पाप किया है मैंने कि मैं आपसे बात भी नहीं कर सकती हूँ? माँ को तो पहले ही खो चुकी हूँ मैं, क्या मेरा मायका भी मुझसे छिन जाएगा? मेरा घर मेरी आंखों के सामने होते हुए भी मुझसे इतना दूर है कि मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। क्यों पापा मुझे अब तक सजा दे रहे? क्या पापा को कभी मेरी याद नहीं आती? क्या कभी उनका मन नहीं होता है मुझे देखने का, मेरे बारे में पूछने का? बोलिए दादी। ये सब क्या कह रही थी इतनी देर तक? क्या हुआ है लाल जी? ओ जी, केशव ने निवेद नू कारण तो मना कीता होया। उन्हें कसम खादी है कि वो कभी निवेद की शक्ल नहीं देखेगा। मगर क्यों, क्या है निवेद? ओ जी, ऐदे विच उस बेचारी का कोई कसूर नहीं हैगा। जदों तुसी बीमार सी ना, मैं निवी से मिलना चाहता हूं अभी। चंगा बाबू जी। मेरे साथ कहाँ जा रहे हैं आप? आज ही आपने चलना शुरू किया है और वहीं से सब गलत हो गया ना बेटा। इंसान जब खुद आगे नहीं बढ़ता तो फासले बढ़ जाते हैं। आज जब चलने लगा हूं तो सोचता हूं आगे बढ़कर कुछ फासले मिटा ही दूं। आओ मेरे साथ। दादाजी की बात नहीं मानोगी? कौन? आई हो तुम यहाँ? कौन है केशव? अरे जवाब क्यों नहीं देता? मैं
अपनी बहू को भी साथ लेकर आया, स्वागत नहीं कीजिएगा? आप अंदर तो आइए भाई साहब, अंदर आइए। आओ निवेदिता, केशव भाभी जी आज शाम को कोठी पर एक छोटा सा फंक्शन रखा है बच्चों, मेरी और यशोधरा की शादी की 50वीं सालगिरह पर। आप आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। पहले से ही ना का मत सोच लीजिएगा, आज बहुत दिनों बाद पहली बार अपने पांव पर खड़ा हुआ हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, ये जानकर बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर क्या कहते हैं, सब ठीक है ना? हाँ, अपने परपोते परपोतियों का मुंह देखने के लिए थोड़ी सी मोहलत दे दी डॉक्टरों ने भी और शायद भगवान ने भी। भगवान करे ऐसा ही हो, आप सब खुशियां जिए। अब जी इतने दिनों बाद आया हूं, एक कप चाय तो बनती है ना मेरी? निवी जा बेटा, जा बना कर ला। भाभी जी केशव, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। चाची आप अच्छी तरह जानते हैं मैं ये क्यों कह रहा हूं, दूरियां कम करने आया हूं मैं, क्योंकि मैं जानता हूं ये दूरियां मेरी वजह से थी। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? कह लेने दीजिए बाबू जी, आज मौका मिला है, दिल का बोझ हल्का कर लेने दीजिए। फिर ना जाने मौका मिले भाई साहब यार हमें। कैसी लगी चाय केशव? आज कितने दिनों बाद तेरे हाथ की चाय बनी है इस घर में निवी, बिल्कुल वैसी जैसे केशव को पसंद है, अदरक वाली। खुद को इस घर को मैं जानती हूं आप खुद को भी सजा दे रहे हैं, मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मुझे प्लीज बाप।
पूछे हो? एक बाप की नजर से देखूंगा तो मुझे भी लगेगा कि निवेदिता से गलती हुई, लेकिन एक इंसान की नजर से देखोगे तो तुम्हें भी लगेगा कि इसने जो कुछ भी किया उसकी वजह थी इसके पास। उसके लिए सारी जिंदगी इसे सजा देना अच्छा नहीं। माफ कर दे केशव, माफ कर दे इसे, वरना किसी को चैन नहीं मिलेगा, न इसे न तुझे। को फंक्शन पर जरूर आइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।